उधमसिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में सोमवार को आगामी चुनावों की तैयारियों के लिए पहुंचे कांग्रेस अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन लाल का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा, यूथ कांग्रेस महानगर अध्यक्ष रणजीत सिंह राणा और नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष मीना शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सिटी क्लब सभागार में आयोजित पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 22 मई से 1 जून तक कुमाऊ गढ़वाल भ्रमण किया जा रहा है, जिससे अनुसूचित समाज को संगठित किया जा सके। उन्होंने कहा कि कुमाऊ गढ़वाल में समाज के लोग निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में जिस तरह कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की है, उसी तरह बागेश्वर उपचुनाव निकाय और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेदों को भुलाकर संगठन को मजबूत करने में जुट जाना चाहिए, जिससे केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार के अहंकार को तोड़ा जा सके। कांग्रेस नेता ने कहा कि वर्तमान में जिस प्रकार महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसको लेकर देश प्रदेश की में काफी रोष है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2000 का नोट बंद करके मोदी सरकार ने खुद को विफल सरकार करार दिया है। हाँ, हमारा कार्यक्रम आज 22 तारीख से मई से और 1 जून तक गढ़वाल का और कुमाऊ कार्यक्रम है, और ये हमारा जो कार्यक्रम है, ये आपको सभी को पता है कि संगठन भी जाना बहुत अति आवश्यकता है। हमें देखेंगे कि संगठन हमारा कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, कौन एक्टिव है। और आपको सभी को मालूम है कि अभी हमारे निकाय चुनाव होने वाला है, उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव, और अभी जल्दी ही बागेश्वर में जो चुनाव होना है उसमें भी हमारा पूरा संगठन है।